दर्शन कर लो जाओ राधा माधव। फुला नहीं बन रही है माला। मम्मी दिखाना क्या ऐसी बनाई है। ऐसी बनी है भाई। मंदिर में रामायण का फर्स्ट स्टार्ट है तो वहां पे जाना। हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। भाई अभी मैं जा रहा हूँ टेंपल। मामा जी तुझे यार इतनी ठंड में भाई ऐसी ठंड में ना ऐसे चलते रहते हैं, चाहे जितनी मर्जी ठंड हो, कोहरा पड़ रहा हो, इन्होंने कपड़े नहीं पहने तो नहीं पहनने। तो भाई अभी हम जा रहे हैं टेंपल, मंदिर में खुलवा रखी है रामायण का पाठ करना है। बस वहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा, दर्शन वगैरह करवा दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे घर पे। आज है एकादशी और खाना पीना ज्यादा कुछ है नहीं, तो फिर हम निकलेंगे चंडीगढ़ के लिए, ठीक है। आप बने रहना आज की वीडियो में, और जितनी भी वीडियो में आपको अच्छा लगता है, कुछ भी लगता है, यार कमेंट किया करो, सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलती है यार। सब्सक्राइब कर दिया करो, अपने दोस्तों से शेयर किया करो वीडियोस। मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ आपके लिए, बढ़िया बढ़िया, अच्छे से अच्छी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप कोशिश करना। हाँ जी आ गया, सामान वगैरह पकड़ना है, मम्मी और आ गए हैं तो मैं पकड़ता हूँ। तो ठीक है भाई, बन रहना वीडियो में, अभी चलते हैं मंदिर, मंदिर में मिलते हैं आपको। चल रहे हैं टेंपल, पहुँच गए हम मंदिर में। भाइयों खुल चुकी है रामायण, चल रही है अंदर। अभी एकादशी की कथा स्टार्ट हुई थी और कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं आया हूँ बाहर, प्रसाद ले लिया, प्रसाद खा के, पहले मैं प्रसाद खा के अंदर ही बैठा था, पंडित जी ने बोला कि आ जाओ प्रसाद ले लो, तो बस उसके बाद हम चल रहे हैं अब घर। आज हमने जाना है चंडीगढ़। मेरे को ना जो पंडित जी है ना टेम्पल के, उनके पास बैठा था मैं थोड़ी देर, वो बता रहे थे कि यहीं पर ही थोड़ा संगरूर के पास ना एक और है, उसको 13वां ज्योतिर्लिंग बोला गया है। वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंग है, बट 13वां ज्योतिर्लिंग बोला गया है, नाम है उसका दुधेश्वर महादेव। जो शिवलिंग आपने हमेशा ब्लैक कलर का देखा होगा ना, वो वाइट में है। मैंने कहा चलो कभी भगवान ने चाहा तो जाके आएंगे वहाँ पे भी, दर्शन करवाऊंगा आपको भी। दिल तो था बहुत ज़्यादा जाने का, लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगा तो ज़रूर जाऊँगा वहाँ पे ना। दूर नहीं है, पास ही है, कहते हैं 2-3 घंटे में अप डाउन हो जाएगा। मैंने कहा चलो देखेंगे, वो भी देखेंगे। घर पर अभी एकादशी का प्रसाद का तैयारी चल रही है। मम्मी कर दो जूड़ा भाई, बाल बहुत ही ज़्यादा सूख के ना उड़ने लग जावा है। पर मेरा ना सच में अभी दिल कर रहा है एक चीज़ करने का, मैं अभी ना मैं बोल नहीं रहा, क्योंकि बोलूँगा तो ना मैं करूँगा फिर, बस सोचूंगा उसके लिए थोड़ा टाइम दो मुझे सोच के, फिर अगर वो करनी हुई तो फिर मैं वो करूँगा, ठीक है। फिर मैं आपको डिसाइड करके बता दूंगा कि वो मैं सोच रहा हूँ, वो फिर मैं करूँगा या नहीं करूँगा मुझे नहीं पता। और मैंने मामा एक बेकार डॉक्टर से लगे थे यार, उन्होंने क्या कोई दिक्कत नहीं है, दिखाऊँ मैं आपको दिक्कत कहाँ आ रही है। ये देखो भाई ये है, ये रखा पता नहीं क्या है, इसमें ना बहुत, इसमें बहुत दर्द होता है मेरे यार। अब ये पता नहीं क्या अंदर पस चली हुई है क्या है ये, बस बहुत टाइम से हो रखा है, 2 महीने हो गए। अब इसको डॉक्टर के पास जाते हैं, करते हैं इसका इलाज। वो शूज नहीं पहने जाते यार, साइकिल पे जा रहे थे, हम करें बाइक पे चलते हैं, अप डाउन करेंगे, क्या थे क्या सी नहीं यार, पता नहीं क्यों शूज नहीं डलते, दर्द हो रहा है। अभी तो 2 महीने हुए इसको। फिर पहुंच गए बंगाली डॉक्टर के पास, आ रहे हैं बंगाली अस्पताल। मामा जी जो दोस्त है इसका, मामा जी लेके आया मैं आपका हॉस्पिटल वहाँ पे है। यहाँ पे उन्होंने बोला है इसकी वो ले आओ, एक चेपी से आती है यार, मुझे नहीं पता था इसके ऑपरेशन भी होते हैं, कह रहे अभी तो आपके स्टार्टिंग है इसलिए अभी लगा लो, सेट हो जाएगा 2-3 दिन में। भाई सही हो गया ना, मैंने पिंड में दिखा दिया, बच गया, नहीं तो ऑपरेशन होना करना पड़ता। ये देखो भाई मेरा नान का पिंड। आप बस स्टैंड है, थोड़ा जल्दी आ जाओ, नहीं नहीं पिंडा वाली बस यहाँ खड़ती है भाई, पिंड वाली। अच्छा चार होंगी, ठीक है। ये मैंने ले ली है इसकी कैप कूप सी, आप डॉक्टर को दिखा देते हैं भाई, लगा दो क्या सिस्टम है मेरे को भी नहीं पता। नहीं है, ओए ओए
ओए करता हूँ जवान मुंडा है जवान तो है बुरा हाल पूरी कहते हैं पूरी पूरी कटती ओ बाबा एक बार तो ना होगी थी यार भाई मेरे को नहीं पता इसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है मामू के हाथ में होगी थी ऑपरेशन हुआ था और 3 stitches लगे थे टांके लगे थे भाई 3 मैं तो डर गया था इसलिए मैं फटाफट आ गया मैंने कहा इससे पहले वो डॉक्टर साहब ने चक्या ब्लेड फट मारा कि 3 दिन बाद मेरे पास आ जाना मैंने कहा अब मैं तो होऊंगा नहीं यहाँ पे कह रहे खुद ही कर लेना फिर जो स्किन आएगी ना उसको ब्लेड से उतार लेना मैं कहा देखूंगा यार क्या होगा क्या नहीं होगा तो यार उसने मतलब जब उतार रहे थे ना इतना दर्द हो रहा था ना मुझे मुझे पता है बर्दाश्त कैसे किया हम घर जा रहे हैं मेनू पता ही नहीं आ पोरी हुंदी है मेनू थोड़ी पता है मेरे को नॉलेज ही नहीं इस चीज के बारे में जब जिस चीज के बाद नॉलेज नहीं बंदे को ऐसे होते ना जल ठीक हो जाएगी यार चप्पल की रगड़ लगी है तो भाई आप लोग भी अगर किसी को ऐसा हो ना अनगेली मत करना हल्के में मत लेना किसी भी चीज़ को। अब मैं आके घर पे बैठ गया हूँ थोड़ा सा इकाची का प्रसाद वगैरह लेके फिर निकलते हैं चंडीगढ़ के लिए लेकिन पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो देखते हैं मैंने कहा बड़ी मम्मी हमारे साथ चल पड़ो चंडीगढ़ बड़ी मम्मी चल पो चरखड़ी लेके आया तेरे तो भारी चरखड़ी टैटू देखो हाँ भाई जाते हुए देखो पतंग उड़ा रहे हैं यहाँ पे मैं जा रहा हूँ हाँ पहले मैं आप जा रहे हो फिर मैं जा रहा हूँ फिर मैं आऊँगा जल्दी बसंत पे आऊँगा ठीक है फाइनल एक दो दिन पहले हाँ एक दो दिन पहले आ जाऊँगा भाई हिंदी मेरा भाई बोल रहा है अभी कोशिश कर रहे हैं ऐसे करते ठीक है पहले आ जाऊँगा अंदर को कर ले थोड़ा सा फेस तो हाँ चलो अब मैं तुम्हें इधर दरवाजे तक छोड़ के आ रहा हूँ ठीक है मेरे चुन्नू मन्नू चले जाओ मेरे चुन्नू हाँ इधर तक चलो दरवाजा खोल दो भाई निकल रहे हैं आप भाई गाड़ी को भी ना 2-3 दिन बाद ही हाथ लगाया जा रहा है चलाई नहीं गाड़ी यहाँ पे दिल ही नहीं करता चलाने का साइकिल भी घूमते थे बाइक भी घूमते भाई पहुंच गए हैं घर पे तो हम आ गए थे घर पे घर वाले सो गए हैं रेस्ट कर रहे हैं मैं एडिटिंग के लिए बैठ गया था पता एडिटिंग कर रहा हूँ मैंने कहा चलो आपको भी टाटा बाय बाय कर दिया जाए और बड़ी मम्मी को हम लेके आ गए हैं ज़बरदस्ती बड़ी मम्मी को बोला कि चलो आप भी चलो क्योंकि हो सकता है कि मैं बसंत मनाने के लिए पिंड में ही जाऊँ तो फिर मैंने कहा बड़ी मम्मी आप भी चल पड़ो मेरे साथ ही फिर दोबारा चल लेना तो ये जो मेरे पैर में आज हुआ है इसको बोलते हैं शायद पोरी या कुछ मुझे मतलब ऐसा कुछ बोलते हैं अट्टन सी हो गई थी और मैंने ना यार मतलब हल्के में ले लिया इसे मैंने कहा चल कोई बात नहीं ठीक हो जाएगी अपने आप ही ठीक हो जाएगी ये तो अगर मामा जी ज़बरदस्ती नहीं करते ना मेरे साथ तो शायद मैं नहीं जाता डॉक्टर के पास उसने किया कुछ ठीक अब वो एक टेप सी लगा रखी है उसको 3 दिन बाद उतार रहे हैं और सबसे बड़ी दिक्कत यह है इसमें पानी नहीं लगने देना यार अब नहाऊंगा कैसे एक टांग उठा के तो चलो देखते हैं ये भी जो भी है ये भी लाइफ का पार्ट है कभी तो भाई आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करते रहना मैं अपनी मेहनत लगा हुआ हूँ पूरी करने के लिए डेली के डेली आपको 6 बजे व्लॉग मिल जाता है कहीं ऐसा होता है कि जहाँ पे नेट नहीं है वहाँ पे मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको 6 बजे तक व्लॉग मिल जाए तो नेक्स्ट जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा मैंने कुछ सोचा है वो मैं उसके ऊपर मुझे स्टडी करने दो थोड़ी सी उसके बाद मैं प्रॉपर कुछ ही दिनों में आपको उसका रिजल्ट दूंगा ताकि मैं आपको प्रॉपर एक लाइन में वो चीज़ बता सकूंगी वो मैं को करना है या नहीं करना है ठीक है मेरे दिमाग में कुछ चीज़ चल रही है अभी तो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट कुछ दिनों में ठीक है चलो तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना बाय बाय हरे कृष्ण।